हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज थोड़ी सी संस्कृत के सर्वनामों को और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने सीखे थे सर्वनाम में इदम, एतत, तत् और किम। मैंने इन सर्वनामों को आपको क्लियर किया था। आज मैं आपको त्वम और अहम सर्वनामों को समझाऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपका आज हम क्लियर करेंगे त्वम सर्वनाम। त्वम माने क्या होता है? तुम, सह, तौ, ते, त्वम, मध्यम पुरुष का एक वचन होता है सर्वनाम में। वो त्वम का मतलब क्या होता है? तुम, यानी इंग्लिश में आप कहते हैं यू, वही संस्कृत में होता है तुम। इसके रूप चलते हैं और इसके रूप सब लिंगों में एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पुरलिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, ऐसा नहीं है। ये आपके त्वम सब लिंगों में एक समान चलते हैं। ठीक है, अब इनका हम लोग रूपों को समझते हैं। जैसे हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही तीनों हमारे वचन आ गए। उसके बाद विभक्तियाँ हमारी सारे आ गई। प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक हमारी सभी विभक्तियाँ हैं और तीनों वचन हैं। इन्हीं के हिसाब से हमारे रूप चलेंगे। ठीक है, पहला हम लेते हैं प्रथमा विभक्ति। जैसे हमारा है त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। अब इसका प्रथमा विभक्ति में कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को होता है। तो कर्ता ने, जो पहला वाला कर्ता है, जो कर्ता ने आएगा कारक में, वो हमारा आएगा प्रथमा विभक्ति में। यानी कि त्वम, त्वम माने तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने, चिन्ह हमारा ने ही आएगा। ऐसे हमारे सेंटेंस बनेंगे, त्वम तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय विभक्ति। इसका क्या है? कर्म कारक को चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को। अब त्वम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, को का चिन्ह आया। कर्म कारक का को चिन्ह जो है वो इसमें चलेगा। ठीक है, फिर हमारी आती है तृतीय विभक्ति। इसमें है त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, करण से, यानी के द्वारा के सेंस में से आएगा। त्वया तुम से या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी तुम सबके द्वारा या तुम सब से, इस सेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है चौथी विभक्ति, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्याम। इसमें हमारा कारक चिन्ह कौन सा आएगा? के लिए, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान, के लिए वाला सेंस आएगा इसमें। तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्माभ्याम तुम सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंचमी विभक्ति में त्वत युवाभ्याम युष्मत। इसमें हमारा आएगा से, और वो किस सेंस में आएगा? अलग होने के लिए। यहाँ था संप्रदान के लिए, यहाँ होगा अपादान से, अलग होने के सेंस में से आएगा। यहाँ से था के द्वारा के सेंस में, यहाँ से आएगा अलग होने के सेंस में। यानी त्वत तुमसे, तुमसे कुछ अलग हो रहा है, तुमसे अलग होने के सेंस में। युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सब से, अलग होने के सेंस में पंचमी विभक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है षष्ठी विभक्ति में तव युवयो युष्माकम। अब इसका हमारा चिन्ह क्या है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में? का, की, के। ठीक है, तो तव तुम्हारा, यानी कि हम लोग तुम का नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा बोलते हैं। सेंस का, की, के वाला आता है, लेकिन हम उस वर्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं? तुम्हारा। त्व तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका, आ गया काकी के। इसमें हमारा पहले वाली में एक वचन में हमारा तुमको नहीं होता है, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं तुम्हारा। तुमको हम कम यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर सेंटेंसेस में ज़्यादातर हम तुम्हारा यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर तुमको भी यूज़ कर लेते हैं। और युवो में क्या है? तुम दोनों का। युष्माकम में तुम सबका, या तुम सबकी, या तुम सबके, कोई भी चिन्ह आ सकता है इसमें संबंध कारक का। ठीक है, अब हमारा लास्ट है अधिकरण में पर, कौन सी है? सप्तमी विभक्ति में त्वयि युवयो युष्मासु। त्वयि तुम पर या तुम में, युवयो तुम दो, तुम दोनों में या तुम दोनों पर, युष्मासु तुम सब में या तुम सब पर, कोई भी चिन्ह सेंटेंस में आपका यूज हुआ है उस हिसाब से कोई भी चिन्ह आ सकता है इन दोनों में से। तो ये आपके कारकों के हिसाब से ये त्वम के रूप थे जो हमारे प्रथमा से सप्तमी तक चलते हैं। और ये सेंटेंसेस में इन्हीं कारक और विभक्तियों के हिसाब से ही इनके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये त्वम के क्लियर हुए हैं। अब इसके बाद आपको हम अहम के और बताएंगे। अहम माने क्या होता है? मैं, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है उत्तम पुरुष में? अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब।
मैं आम के रूप आपको अब समझाती हूँ। चलिए अब हम लोग अहम सर्वनाम को क्लियर करते हैं। अभी आपने त्वम सीखा था, अब हमारा नेक्स्ट है अहम। अहम माने क्या होता है? मैं। अहम आवाम वयम आपने पढ़ा होगा, सह तवते त्वम युवाम युवयम एंड अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का जो तीनों वचनों में क्या आता है, अहम आवाम वयम, उसी के रूप हैं। अहम माने वह, मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ठीक है, इनके भी रूप हमारे कारक चिन्हों के हिसाब से और सब विभक्तियों के हिसाब से रूप चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन हो गए आपके ये, और उसके बाद विभक्तियाँ हो गई आपकी प्रथमा से सप्तमी तक। ठीक है, अब पहला हमारा है प्रथमा विभक्ति में अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अब इसमें कर्ता कारक का ने चिन्ह आ जाएगा, अहम मैंने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सब ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द्वितीय विभक्ति में माम आवाम अस्मान। इसका होता है कर्म को चिन्ह हो जाता है, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तृतीय विभक्ति में मया आवाभ्याम अस्माभी। इसमें हमारा आता है कर्ता ने कर्म को करण से, करण हमारा कारक आता है, से चिन्ह आता है के द्वारा के सेंस में, मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा, से भी आ सकता है के द्वारा भी आ सकता है, मुझसे या मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, अस्मा भी हम सब से या हम सबके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथी व्यक्ति में मयम आवाभ्याम अस्मभ्याम। इसका होता है कि संप्रदान के लिए के सेंस में, किसी के लिए कोई काम करते हैं के लिए का सेंस आता है, मयम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्याम हम सबके लिए। ठीक है, पंचमी में से आता है अलग होने के सेंस में, अपादान से अलग होने के सेंस में आता है, मत मुझसे कुछ अलग हो रही है जब, तब हम यूज़ करते हैं एक वचन में मत, मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत हम सबसे कोई चीज़ दूर जा रही है अलग हो रही है, तब हम मत आवाभ्याम अस्मत ये यूज़ करते हैं हम पंचमी भक्ति में। षष्ठी में मम आवयो अस्माकम। इसमें होता है संबंध कारक का चिन्ह है का की के, तो मम मेरा या मेरी कुछ भी आ सकता है इसमें, है ना, और आवयो हम दोनों का या हम दोनों की, अस्माकम हम सब का या हम सब की या हम सब के कुछ भी आ सकता है। इसमें हमारा आएगा हमारा, मेरा या मेरी, काकी के नहीं आता है, मेरा या मेरी सेंस वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं काकी के, आवयो हम दोनों की, अस्माकम हम सब की या हम सब का, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति का हमारा है मई आवयो अस्मासु। इसका चिन्ह होता है अधिकरण में पर, किसी चीज़ के ऊपर कि कहीं पर या कहीं में का सेंस आता है ना, तो मई मुझ में, मई मुझ में एक वचन में, द्विवचन में आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर, और बहुवचन में अस्मासु हम सब में या हम सब पर। इस सेंस में हमारा अधिकरण कारक का ये तीनों रूप चलेंगे सप्तमी भक्ति के। ये हमारे क्या थे, कारक के हिसाब से अहम के रूप प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के, जो हम सेंटेंस में कारक चिन्हों के हिसाब से इन रूपों का यूज़ करते हैं। अगर ने का सेंस आ रहा है तो हम ये वाले लगाएंगे, अहम आवाम वयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। को का सेंस अगर सेंटेंस में आ रहा है तो हम लगाएंगे ये वाले, माम आवाम अस्मान। से का सेंस आ रहा है तो मया आवाभ्यम अस्माभि। के लिए का सेंस आ रहा है तो मयम आवाभ्यम अस्मभ्यम। से का सेंस आ रहा है अलग होने के सेंस में आ रहा है तो मत आवाभ्यम अस्मत। का की के का सेंस आ रहा है तो मम आवयो अस्माकम। और अगर मैं या पर का सेंस आ रहा है तो मई आवयो अस्मासम। इस तरीके से आपके ये अहम के रूप थे और त्वम के रूप थे, और आई होप आपको दोनों सर्वनामों के रूप और उनका प्रयोग उनके कारक चिन्हों के हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दोबारा उसको समझिए, प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस बना के देखिए। फिर भी यदि कोई किसी भी आपको सर्वनाम के यूज़ में या उसके प्रयोग करने में कोई दिक्कत महसूस हो या कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछिए, मैं आपको दोबारा से क्लियर करूँगी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।